वेलकम बैक गाइस। आज की वीडियो में हम देख रहे हैं बेंट ओवर रोल्स इनवर्स ग्रिप में, और ये बैक की एक्सरसाइज है। अगर आप जिम जाते हैं और कोई अच्छी बैक की एक्सरसाइज देख रहे हैं तो इसे ज़रूर अपने बैक के वर्कआउट में ऐड करिए। और परफॉर्म करते टाइम गाइस अपनी पोजीशन को बहुत ध्यान रखिएगा, ये आप ध्यान से देख सकते हैं क्या पोजीशन है। और ये वेट बहुत हैवी, आप पहले वेट हल्के से ट्राई कीजिएगा। जनरली न्यू बॉयर्स स्विंग मारते और सेट कंप्लीट हो गया। अगली सेट में मिलते हैं आपसे, बाय। दूसरे सेट की तैयारी हो गई है, दूसरा नहीं एक्चुअली तीसरा, पहला हमने शूट नहीं करा। और एक बार पोजीशन आप लोग ध्यान से देख लीजिए, ये वीडियो सिर्फ दोबारा इसलिए बना रहे हैं ताकि पोजीशन आप लोग करेक्ट करें, कोई गलती ना करें। ये बहुत हैवी है तो उसकी वजह से थोड़ी बहुत पोजीशन इधर उधर हो भी सकती है, पर हम आपको एक बार फिर से ट्राई करा देंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वर्कआउट पर, नेक्स्ट वर्कआउट हम करेंगे। नेक्स्ट वर्कआउट क्या है भाई, नेक्स्ट वर्कआउट क्या है? लेग पुल डाउन गाइस, अब लेग पुल डाउन मशीन भी है, लेग पुल डाउन करिए। थोड़े से थक गए हैं, अवॉइड करना। अब हम आ गए लेग पुल डाउन की मशीन पे, और एक बार ये वर्कआउट भी चेकआउट कर लो, आपकी बैक की कटिंग और लैट मसल्स की थिकनेस के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। मैं आपको ऊपर दो उसके तीन सेट कंप्लीट करने के बाद आपको मानना है, ये इसे बोलते हैं रोइंग मशीन। और ये रोइंग कंप्लीट करने के बाद ये वाली ग्रिप अगर आपके पास है तो ये ग्रिप लगा लीजिए, वरना कोई सी ग्रिप लगा सकते हो। और आगे देखते जाइए, दिखाते आगे।